आपके स्क्रीन पर हाथ जोड़कर हरियाणा की जनता से न्याय दिलाने की गुहार लगाता ये रांची निवासी दीपक कुमार है, जो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहा है। दरअसल दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की सीनियर मैनेजर शिल्पी सोनम का शव उसके पति के फ्लैट में फंदे पर लटका हुआ मिला। महिला झारखंड के रांची में कार्यरत थी, जबकि उसके पति झज्जर जिले के जसौर खेड़ी गांव के सर्व हरियाणा बैंक में कार्यरत है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पति ने ही उसकी हत्या की है। फिलहाल सेक्टर 6 थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम दीपक कुमार है, मैं रांची से आया हूँ। आज मेरे को 10 तारीख को मालूम चला कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। और उसके साथ जो ये कांड हुआ है, ये कांड करने वाला राकेश कुमार है, जो कि यहाँ पे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में बहादुरगढ़ में पोस्टेड है। बहुत दिन से वो मेरी बहन को टॉर्चर कर रहा था, ठीक है, और मेरी बहन यहाँ से रांची इसी कारण से यहाँ से रांची ट्रांसफर ले चुकी थी, लेकिन पति के मुंह में और तीज पर्व को मनाने के लिए वो यहाँ आई और उसको मार दिया गया। भैया मार दिया गया, प्लीज न्याय करवाइए। आप हरियाणा की जनता हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने देश के इस भाई के साथ न्याय कीजिए। जानकारी के मुताबिक झारखंड के रांची की HEC कॉलोनी निवासी शिल्पी सोनम रांची के ही अपर बाजार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में सीनियर मैनेजर पद पर कार्यरत थी, जबकि उनके पति रांची के ही मोहल्ला हेसाग हटिया निवासी राकेश शर्मा हरियाणा के झज्जर जिले के जसौर खेड़ी गांव में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं। शिल्पी सोनम के भाई दीपक कुमार ने बताया कि जीजा की प्रताड़ना और नशे की ओवरडोज के कारण उनकी बहन अपने ससुराल रांची में रह रही थी, जबकि राकेश शर्मा बहादुरगढ़ की ओमेक्स सोसाइटी में फ्लैट लेकर रह रहे हैं। 4 सितंबर को उनकी बहन शिल्पी सोनम अपने दोनों बच्चों व राकेश की भतीजी के साथ बहादुरगढ़ आई थी। आरोप है कि यहां आने के बाद राकेश ने फिर से उसे प्रताड़ित किया। इसी दौरान शिल्पी सोनम का शव उसके पति के फ्लैट में फंदे पर झूलते हुए मिला। राकेश ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया। नाम की औरत है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर मैनेजर, पहले ये पानीपत पोस्टेड थी और इसके पति राकेश जसौर खड़ी में ग्रामीण बैंक में मैनेजर है। तो अब इसने फरवरी में अपनी ट्रांसफर रायपुर करवा ली थी और अब ये 3-4 दिन में इनका कोई तीज त्यौहार होता है, उस पर ये अपने पति राकेश के पास आई थी त्यौहार के संबंध में। तो परसों इसने सुबह अपने घर पर ही फंदा लगा के और फंस लिया। क्या कार्रवाई की गई सर? अभी कार्रवाई हमने उनके मृतका के भाई ने 302 की लिख के दी है और उस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। किस किस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था? मामला अकेला राकेश उसका पति और कोई परिवार का। गिरफ्तार कर लिया सर? हाँ गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश? कोर्ट में आज पेश। शिल्पी सोनम के भाई दीपक कुमार की माने तो उनकी बहन की शादी 6 जून 2014 को राकेश शर्मा के साथ हुई थी। उस वक्त उनकी बहन बिहार के सीतामणि व राकेश हरियाणा के सोनीपत में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में कार्यरत थे। बाद में शिल्पी सोनम ने भी अपना ट्रांसफर सोनीपत जिले के गन्नौर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में करा दिया था। दोनों साथ में रहते थे। दीपक का आरोप है कि दोनों साथ रहने लगे तब पता चला कि राकेश ड्रग्स लेता है, इसके अलावा भी बहुत से नशे करता है। उसकी बहन ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने शिल्पी को ही परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे काफी परेशान होकर शिल्पी वापस अपने ससुराल रांची लौट आई थी। इस बीच राकेश उसे मिलने के लिए रांची आता था। 4 सितंबर को त्योहार के चलते शिल्पी सोनम अपने दोनों बच्चों, 1-8 माह की बच्ची व 5 साल के लड़के के साथ बहादुरगढ़ में अपने पति राकेश के पास आई थी। दीपक ने बताया कि इस दौरान राकेश के घर में काफी आपत्तिजनक चीजें मिली थी, जिसका उसकी बहन ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे पीटा था। उसने अपनी बहन से बात की तो वो डरी सहमी हुई थी, जिसके बाद शिल्पी सोनम को वापस रांची आने के लिए बोला था, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि पति राकेश ने उसे मारा है। बहरहाल पुलिस ने शिल्पी सोनम के भाई की शिकायत पर आरोपी राकेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई जारी है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।